हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्चुअली ये वीडियो मैं 10 महीने पहले बना चुका हूँ कि इंडिकेटर्स जो चारों हैं उसको एक साथ कैसे फ्लैश करना है। लेकिन जो स्प्लेंडर प्लस में ये प्रॉब्लम आती है कि ये इसके जो इंडिकेटर हैं ये चारों एक साथ फ्लैश नहीं होते, इसमें प्रॉब्लम आती है। और साथ ही में मैंने उस वीडियो में स्विच लगाना नहीं बताया था आपको, लेकिन इस वीडियो में आपको स्विच लगाना बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसका स्विच है ये हैंडल के पास माउंट करूँगा। तो चलिए, मेरे पास जो स्विच है इसको मैं माउंट कर लेता हूँ हैंडल से, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो गाइज़, अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे, तो इसके लिए मैं इसका वाइज़र को खोल लेता हूँ। तो वाइज़र को खोलने के लिए यहाँ पर 10 नंबर के जो 2 वोल्ट रहते हैं दोनों साइड, उसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर कनेक्शन करना है इसका। तो गाइस, वाइजर को खोलने के बाद आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन जो इंडिकेटर्स के 2 वायर होती हैं उसमें से एक आपको ऑरेंज मिलेगी और दूसरी साइड में मिलेगी आपको ब्लू कलर की। तो इन दोनों में आपको ये स्विच का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं स्विच का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये आप मैं एक जो है इस ऑरेंज में लगाऊंगा और दूसरी जो है ब्लू में लगाऊंगा। और जो कॉमन वायर है ग्रीन वाली उसको नहीं छेड़ना आपको, ग्रीन वाली को नहीं, मैं कुछ नहीं आपको लगाना। तो मैं अभी ऑरेंज में लगा रहा हूँ एक वायर। तो आप जो वायर है इसकी कहीं भी लगा सकते हो, मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ नहीं है। ये स्विच की वायर आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ये मैं दूसरी जो है इसको मैं अभी जो ब्लू कलर की वायर है उसमें लगाऊंगा। तो अगर आपके पास कोई और बाइक भी है तो आप ध्यान रखें कि जो जो नेगेटिव की वायर है उस पर नहीं आपको लगाना, जो पॉजिटिव की वायर है जो कि जिसका कि कलर अलग अलग होगा दोनों इंडिकेटर्स में, उन पर आपको लगाना है। तो ये देखिए, मैंने अभी कनेक्शन को कर दिया है। अब मैं वापस से वाइजर को भी फिट कर दूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चलता है नहीं। तो क्या ये देखिए, ये एक इंडिकेटर चल रहा है और जैसे मैं बटन को ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों इंडिकेटर जो है थोड़े से ब्लिंक हो रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। तो गाइस, एक्चुअली ये होता है आपके जो बाइक में फ्लैशर लगा होता है उसके कारण होता है। तो ये साइड पैनल में मैं अभी खोल लेता हूँ इसका फ्लैशर जहाँ पर है आपका, आप अपनी बाइक में देख लीजिए कहाँ पर है उसका फ्लैशर। तो अभी मैं उसको फ्लैशर को ही चेंज करूँगा। तो गाइस, अभी मैं इसका जो फ्लैशर है उसको निकालता हूँ। एक्चुअली जो हीरो कंपनी वाले ने ये फ्लैशर लगाया ये घटिया किस्म का है, इस पर थोड़ा सा भी लोड पड़ेगा जब, जैसे कि 2 इंडिकेटर ये चलाता है, जैसे ही 4 इंडिकेटर्स का इसके पर लोड पड़ता है तो ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए, ये फ्लैशर को मैं अभी चेंज करूँगा। तो गाइस, ये मेरे पास अभी बजाज का है तो ये मैं बजाज का फ्लैशर लगाऊंगा अभी इसमें। तो गाइस, एक्चुअली इसकी जो सॉकेट है जो दूसरी है आपको दूसरी वाला मिल जाएगा मार्केट से, तो ये 50-60 रुपये में आ जाएगा। तो आप इसको, इसकी जो वायरिंग है आप कहीं भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता ये फ्लैशर का, आप जहाँ पर चाहें इनको लगा सकते हैं। तो मैं अभी, चलिए ये इनकी जो दोनों वायर हैं इसको मैं जो फ्लैशर वाली सॉकेट है उसमें अभी इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इंसर्ट कर दिया है, अभी देखते हैं कि काम करता है हमारा सिस्टम या नहीं। तो भाई ये देखिए, अभी एक इंडिकेटर चल रहा है, ये देखिए, अब मैं दूसरा ऑन करूँगा, ये देखिए दोनों चल रहे हैं। और अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखिए अभी चारों चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ऐसा अगर आपकी बाइक में भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी जो एक लुक है वो दिखा देता हूँ दोनों जो चारों इंडिकेटर्स की। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।